नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। तोते पकड़ने के बहाने लेकर गया नाबालिग ने किया दो मासूमों के साथ दुराचार। दोनों के साथ पहले की मारपीट, फिर किया कुकर्म, साथ ही किसी को ना बताने की दी धमकी। पीड़ित नाबालिग की मां ने थाने में करवाया दुष्कर्म का मामला दर्ज। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच की शुरू। राजस्थान के अजमेर जिले के टॉक टावर थाना क्षेत्र में रहने वाले दो मासूम के साथ दुराचार करने का मामला सामने आया है। पड़ोस में रहने वाले नाबालिग ने ही दो मासूमों के साथ दुराचार किया। दोनों मासूमों को तोते के बच्चे पकड़ने के बहाने अपने साथ लेकर गया, दोनों के साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया, साथ ही किसी को न बताने की धमकी भी दे डाली। पीड़ित नाबालिग ने मामले की जानकारी अपनी मां को बताई। मां ने क्लॉक टावर थाने में कुकर्म का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सामने आया कि पड़ोस में रहने वाले नाबालिग ने तोते के बच्चे पकड़ने के बहाने अपने साथ लेकर गया था और दोनों के साथ पहले मारपीट की, फिर मौका मिलने पर दोनों के साथ कुकर्म किया। किसी को नहीं बताने के लिए नाबालिग आरोपी ने दोनों मासूमों को जान से मारने की धमकी दे डाली। जानकारी के अनुसार सामने आया है कि दोनों नाबालिग भाई हैं। जब दोनों भाइयों ने आपबीती अपनी मां को सुनाई तो मां ने क्लॉक टावर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए क्लॉक टावर थानाधिकारी दिनेश कुमावत ने बताया कि थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने शिकायत दी है कि मेरा 11 वर्षीय बच्चा है और एक मेरा भतीजा है, जो कि दोनों नाबालिग है। उन्हीं के पड़ोस में रहने वाला नाबालिग है जो इन दोनों को तोते के बच्चे पकड़ने के बहाने अपने साथ ले गया। पहले दोनों के साथ मारपीट की, फिर उसके बाद उसने उन दोनों के साथ गलत काम किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने शिकायत पर पॉस्को व अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर पीड़ित नाबालिगों का मेडिकल मुआयना करवाया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। दोनों ने हाथ किया क्या? दोनों ने चाचा एक्चुअली उसने किया क्या, उसने वो तो नहीं किया। हाँ, लेकिन इसने क्या किया, बच्चों को हाथ में तो उसको अपन कुकर्म थोड़ा ना बोलेंगे। कुकर्म ही होता है, वो भी कुकर्म में है, छेड़छाड़ जो है बलात्कार। अगर कोई आदमी किसी व्यस्त आदमी, व्यस्त महिला को भी अगर मुंह में दे तो